हेलो फ्रेंड्स, अगर आप रियलमी का मोबाइल यूज करते होंगे तो आपको ये सेटिंग जरूर पता होनी चाहिए, जिससे कि आपका मोबाइल का लुक ही चेंज हो जाएगा। अगर आपके फ्रेंड आपके मोबाइल को देखेंगे तो चौंक जाएंगे, कि पूछने लगेंगे, भाई ये कैसे किया, मुझे भी पता। तो अगर आप भी ये सेटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन और टेक्निकल अमन चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए हमारा व्हाट्सअप कैसे ओपन हो रहा है। यहाँ पर ऐसे ओपन हो रहा है, जैसे कि पॉपअप विंडो में ओपन हो रहा है। फिर यहाँ पर हम कट कर रहे हैं, फिर व्हाट्सअप ओपन हो रहा है। जैसे तो ऐसे आप कोई भी ऐप्स ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो कौन सी सेटिंग है और कैसे करनी है हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने यहाँ पर सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कन्वेंसिंग टूल का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्मार्ट साइड बार का, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्मार्ट साइड बार का। तो यहाँ पर आप इसे ऐसे देख सकते हैं, तो इसे आप यहाँ पर सिंपली इनेबल कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर इनेबल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बन कर आ रहा है, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको कैसे टच करके इधर खींचना है, तो ये सब आपके सामने ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जैसे ही हमें मतलब यहाँ पर आपको ऑप्शन जोड़ लेना होगा। जैसे यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन है, अब प्लस वाले एडिट पर जाएंगे आप, थोड़ा लोड ले रहा है। तो यहाँ पर आप जो भी अपना फेवरेट ऐप्स है उसे आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके, और यहाँ से इसे माइनस वाले पर से हटा भी सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको कुछ ऐड करके दिखाता हूँ, जैसे कि MX प्लेयर हो गया, कैलेंडर हो गया, ये सब हम ऐप्स आपको जोड़ कर दिखा दे रहे हैं, ट्रू बैलेंस, ट्रू कॉलर। तो सिंपली आपको जो भी ऐप्स को यहाँ पर रन कराना है, यहाँ पर आप सिंपली उसे डन कर ऐड करके डन कर दीजिए। फिर यहाँ पर आप इसे एस कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे कि हमारा व्हाट्सअप यहाँ पर आया है, तो ये कैसे आया है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो व्हाट्सअप और मैसेज जैसे मतलब लगभग सब ऐप्स को आप यूज नहीं कर पाएंगे ऐसे पॉपअप विंडो में, केवल गिने चुने ऐप्स को यूज कर पाएंगे जो आपके मोबाइल में दिया रहेगा। तो मेरे मोबाइल में यहाँ पर एक मैसेज है ये दिया है, और एक व्हाट्सएप है। तो यहाँ पर सिंपली हम इसी दो चीज़ों को ऑन कर सकते हैं, और कोई ऐप्स अदर ऐप्स नहीं चला सकते हैं उस तरह का। बट यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहाँ पर इसे कट करके, अगर हमें कोई ऐप्स नहीं खोजना है तो हम यहीं से अपना सब ऐप्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैलेंडर और कैलकुलेटर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, कहीं भी इसे ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप कोई भी ऐप्स यूज कर सकते हैं यहाँ पर सिंपली बिना खोजे हुए। तो यहाँ पर आप सेटिंग पर जाकर अपना सेटिंग ऑन कर लेना है आपको, और यहाँ पर इसको जो कैपेसिटी है यहाँ पर कम हाई डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। जैसे ट्रांसपेरेंट करेंगे तो कम दिखाई देगा, और ये करेंगे तो ज़्यादा दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसे ऑन कर सकते हैं, और ये जो ऑप्शन है इसे आप ऑन कर लीजिए, इसमें आपके मोबाइल में सपोर्टिंग अच्छा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।